हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टैक्स जोन। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केटीएम आरसी सीरीज के ऊपर। आप लोगों को पता है केटीएम अपनी आरसी सीरीज पे टेस्टिंग कर रहा है एक नए रंग रूप में, एक कंप्लीट मेकओवर के साथ आरसी सीरीज आने वाली है। ऑलरेडी आरसी सीरीज को टेस्टिंग करते हुए काफी टाइम देखा गया, आप स्क्रीन पे इमेज देख भी होंगे। तो ये जो आरसी होने वाली है ऐसा नहीं है कुछ मिनिमल चेंजेस के साथ आ रही है, एक कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ ये आरसी की सीरीज जो है इंडिया में लॉन्च होने वाली है। खबरें ऐसी आ रही है कि केटीएम अपनी आरसी सीरीज को अगस्त में लॉन्च करने जा रहा है, और कुछ डीलर ने, ऐसी भी खबरें आ रही है दोस्तों कि कुछ डीलर्स ने इंडिया में अनऑफिशियली आरसी सीरीज की बुकिंग लेना चालू कर दिया, चाहे वो आरसी 200 हो या 390 हो। ऑलरेडी ऑफिशियल बुकिंग चालू हो गई है, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बहुत जल्द केटीएम आरसी सीरीज को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, आरसी सीरीज आपको पता ही है यंगस्टर की काफी पसंदीदा बाइक है। अगर हम एक स्टार्टिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक की बात करें तो सबसे पहले जहन में नाम आता है केटीएम आरसी, क्योंकि केटीएम आरसी एक ऐसी सीरीज है जो एक बजट कैटेगरी की बाइक है, और आपको उस बजट कैटेगरी में आपको पूरा स्पोर्ट्स बाइक का एक अनुभव देती है। दोस्तों, तो ये इंडिया में काफी पसंद की जाती है आरसी सीरीज को, चाहे वो 200 हो या 390 हो, दोनों में अच्छी स्टाइलिंग है, अच्छी पावर है, और आप कह सकते हैं ये एक बजट फ्रेंडली बाइक भी है। तो ये काफी कम बजट में आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, पावर प्लस लुक्स के साथ आपको आरसी सीरीज इंडिया में अवेलेबल इजिली हो जाती है। दोस्तों, और जो केटीएम है दोस्तों बजाज के अंडर आती, तो इनका रखरखाव, इनकी मेंटेनेंस, इनकी सर्विस कॉस्ट भी काफी कम है, तो इसलिए इंडिया में ज्यादा पसंद भी की जाती है केटीएम। वैसे अगर देखा जाए तो केटीएम एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, बट इंडिया में वो बजाज के साथ करार करके अपनी बाइक्स को सेल कर रहा है, तो एक जॉइंट वेंचर के तहत ही इंडिया में केटीएम बजाज के साथ अपनी बाइकें सेल कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो नई आरसी सीरीज आने वाली है इंडिया में, आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो काफी कुछ इसमें बदलाव है। लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, जो अभी तक इसको देखा गया है, जिस तरह से स्पाई शॉट सामने आया उसको देखकर जो नया रंग रूप है, मुझे कुछ ज्यादा खास लगा नहीं। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि जो नया रंग रूप में नई आरसी सीरीज आ रही है वो आपको कैसी लग रही है। इमेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे करंट जनरेशन का डिजाइन भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन जो अपनी नई जनरेशन आ रही है उसको देखकर मुझे थोड़ा और डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि केटीएम इनके साथ कुछ और अच्छा कर सकता था। दोस्तों, जब बाइक इंडिया में लॉन्च होगी, बाइक के साथ रूबरू होंगे, जब का अनुभव कैसा होगा तो उसकी एक अलग ही बात है, क्योंकि एक चीज को इमेज में देखना और एक चीज को अपने सामने असलियत में देखना, दोनों में काफी फर्क होता है। तो इन रियलिटी बाइक कैसे लगती है दोस्तों, वो तो जब ही हम बता सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम इमेज को देख के बात करें तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं। आप लोगों को कैसे लगे दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर मैं करंट आरसी 200 के पावर प्लांट की बात करूं दोस्तों, वो लगभग 25 bhp जनरेट करती है 20 nm टॉर्क के साथ, और अगर मैं आरसी 390 की बात करूं तो 44 bhp जनरेट करती है लगभग 35 nm टॉर्क के साथ। दोनों बाइकों से पावर फिगर काफी अच्छी आती है, इसलिए इंडिया में दोनों बाइकों को काफी प्यार मिला है, काफी लोग इनको पसंद करते हो, और एक एंथुसियास्ट है जो इन बाइकों को पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है तो आपको इसमें कंफर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो इसमें बैठ के जो एक फील आता है कि स्पोर्ट्स लुक आती है, उसका एक अलग ही अनुभव है, उसका एक अलग ही फील है दोस्तों, तो वो शब्दों से बयान नहीं किया सकता है। एक फील बाइक के साथ आना बहुत जरूरी है, तभी आपको गाड़ी के साथ एक बॉन्डिंग बैठ पाती है। दोस्तों, अगर बात करें नई आरसी की, तो केटीएम की तरफ से अभी तक यही न्यूज है कि अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी। अगर बात करें नए आरसी के इंजन की, तो वो कितनी पावर जनरेट करता है, ऑनगोइंग मॉडल की तरह सेम पावर जनरेट करता है, या उसके पावर फिगर में कुछ बदलाव होगा। ऑब्वियसली बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो ये नई आरसी सीरीज थी ऑलरेडी BS6 पे चल रही थी, ऐसा नहीं जो अब अपडेट आ रहा है वो BS6 के तौर पर अपडेट आ रहा है, नहीं, एक कंप्लीटिंग मेक ओवर आर केटीएम की तरफ से। तो पावर फिगर में डेफिनेटली बदलाव होगा, पूरी डिजाइन लैंग्वेज के साथ आपको केटीएम आरसी सीरीज बहुत जल्दी इंडिया में दोस्तों मिलने वाली है। केटीएम बजट कैटेगरी की बाइक है दोस्तों, तो इसमें केटीएम भी यही चाहेगा कि प्राइस इंक्रीज ना किया जाए, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उससे सेल पर भी असर होगा, क्योंकि आजकल का माहौल, आजकल का टाइम आप देख रहे हैं, वैसे ही ऑटोमोबाइल को काफी नीचे डाउन जाता जा रहा है, इतनी सेल अब नहीं है, तो उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए केटीएम यही चाहेगा कि प्राइस इंक्रीज ना किया जाए दोस्तों। तो इन फ्यूचर जो भी इन बाइकों के बारे में कोई भी न्यूज आती है, कोई भी इसकी अपडेट आती है, तो आपको इस चैनल पे न्यूज जरूर मिल जाएगी, आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन दोस्तों जरूर मिल जाएगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी केटीएम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।